सत श्री अकाल साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका राज कोहली किचन किंग में। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा रेसिपी लेके आए हैं फ्रेंड्स। तो वो है कढ़ी पकौड़ा, जो कि एक दही के साथ और पकौड़े के साथ मिक्स करके जो पंजाबी स्टाइल में कढ़ी बनाई जाती है। आज हम वो आपके सामने जो है उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। आई होप कि आप भी इससे बहुत प्रेरित होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा चैनल है, एक हमारा फैमिली चैनल है, शी इज़ माई वाइफ, और हम लोग जो भी करते हैं एक साथ ही मिलके करते हैं। वैसे मेरी वाइफ को ज़्यादातर दूसरे कामों में बिजी रहती है, तो ज़्यादातर मैं ही करता हूँ, लेकिन जब भी हमारे को टाइम मिलता है हम एक साथ ही मिलके करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो कढ़ी पकौड़ा है जो किस प्रकार से बनाया जाता है, ये खाने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखिए कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए क्या है नॉर्मल। उसके लिए सबसे पहले देखिए, कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले पकौड़ा जो मस्ट है वो हमने पहले से निकाल लिया है। उसके लिए दही चाहिए, तो 250 ग्राम ये दही है, और 2 टेबल स्पून जो है चम्मच जो है हमारे पास बेसन है, और ये जो मिर्ची है जो है रेड चिल्ली है जो है दरदरे तौर पे, आप देखिए इसको, एक इसके लिए पाउडर नहीं, एक ऐसा मोटे तौर पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा मिलता है और टेस्ट भी मिलता है। और उसके साथ ये देखिए, अभी हमने इसको ये 4 टमाटो जो है ग्राइंड किए हैं, इसका ऐसे पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद ये है ग्रीन चिल्ली जो पीसा हुआ है, प्लस एक ऐसे साबुत दिखाने के लिए हमने रखा हुआ है। और उसके बाद ये है ऑनियन, जो कि प्याज को हमने ग्राइंड करके मिक्सी के अंदर ऐसे रख लिया है। ये सारी चीज़ें आपकी अगर पहले से तैयार है तो आपको बनाने में मिनटों लगते हैं। और ये कुछ हरा धनिया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे। हम किचन में पहले गैस फ्लेम के ऊपर जाने से पहले हम सबसे पहले जो छोटा सा काम है, ये बेसन है जो 2 टेबल स्पून, इसको हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी के अंदर इसको मेल्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है बेसन के अंदर, अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और करने के बाद फिर हम क्या है इसको किस प्रकार से जो है इसका जो है पूरा जो है आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो आइए चलते हैं, हमें अभी हम ले चलते हैं आपको किचन में। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, उसके बाद थोड़ी सी राई डालेंगे, फिर उससे पीसा हुआ ये प्याज, थोड़ा उसको पकने के लिए लाल करेंगे, फिर उसमें इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची और लहसुन, इसको हम थोड़ी देर तक पकने देंगे जब तक लाल नहीं होता। हम क्या है दोनों, मैं अपनी वाइफ के साथ मिलके जो है आज एक डिश तैयार कर रहे हैं, तो एक साथ काम करने का जो एंजॉय है वो बहुत ही अच्छा होता है। और खासकर इस लॉकडाउन के दौरान जो है अब सबको चाहिए कि एक साथ मिलके काम करें। तो देखिए अभी ये प्याज पक चुका है, मेरी वाइफ ने बिल्कुल इसको रेडी कर दिया है। तो देखते हैं अभी इसके अंदर क्या डालने वाली है। तो अभी क्या डालने हैं इसके अंदर, हल्दी 1 चम्मच, हल्दी फिर नमक, लाल मिर्ची पाउडर। ओके, तो जो सारे जो मसाले हैं अभी इसके अंदर मेरी वाइफ डाल चुकी है, और अभी देखते हैं कि कैसे इसको पकने के बाद कैसा इसका कलर आता है। बहुत ही अच्छा इसका कलर जो है ब्राउन ब्राउन दिखाई दे रहा है, और आई होप कि खाने में बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है ये। और इसको ज़्यादा जलाना नहीं है मसालों को, अभी थोड़ी देर के बाद। और क्या डालो, टमाटर, थोड़ा सा पानी डाल दो। तो अभी इसके अंदर और एक कुछ ऐड करने वाले हैं, क्या चीज है, बेसन। हाँ, तो अभी जो है इसके अंदर लास्ट में पकने के बाद बेसन जो है इसके अंदर जो है ऐड कर दिया है।
अभी देखिए हमारा मसाला पूरा तैयार हो चुका है, अच्छे से पक गया है ये। अभी हम इसमें डालेंगे दही। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। हाँ अभी देख लीजिए दही डाल दिया है पाइप में, और इसको अभी पकने में कितना टाइम लगेगा? इसको 15 मिनट हम अच्छे से इसको पकाएंगे। हाँ तो इसको 10 से 15 मिनट तक इसको अभी अच्छे से बॉईल करेंगे और एकदम खाने के लिए। कड़ी को बीच बीच में हिलाते रहना चाहिए, कड़ी नहीं तो खराब हो जाती है। इसको हिलाओगे नहीं तो सबसे बड़ा टिप्स इसका ये है कि कड़ी को हमेशा जो है उसको हिलाना है, नहीं तो क्या जमने लगती है और उसके अंदर जो है गोल गोल जो है केले जैसे बनने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा उसको क्या है बिल्कुल है किसी भी कड़छी से या जो आपके पास जो है उससे आप उसको इस प्रकार से हिलाते रहे ताकि वो उसका जो है सही मॉइस्चर बना रहे। तो आप देख सकते हैं जो आज हम आपके लिए एक रेसिपी लेके आया था जो पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकौड़ा, तो वो बिल्कुल बनकर रेडी है आपके सामने। आपका लुक देख सकते हैं इसका कि किस प्रकार से ये जो है दिखाई दे रहा है, देखने में ही बहुत अच्छा है, स्वीट और एक बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। और अगर आप खाएंगे आई होप कि आपको इससे बहुत अच्छा इंजॉय आने वाला है। और आज स्पेशल ये है कि आज हमने, वैसे मैं अकेले ही बनाता था, आज मैंने वाइफ के साथ मिलकर हमने दोनों ने इस चीज को जो है आज बनाया है और आज इसका स्वाद और भी डबल हो चुका है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे दोस्त जो हमारे इस किचन को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम लोग पंजाबी खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और हमेशा दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी इसी प्रकार से खाएं, चटपटा खाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कड़ी देख के तो एक बार तो बनता है कि भाई वो पंजाबी डांस तो जो है हमारा फैमिली पंजाबी तो वो निकल ही जाता है। तो अभी मैं वही लास्ट में करना बनता ही है। तनक 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 तनक।